सब्सक्राइब टू मकबूल रिएक्शन। वेलकम फ्रेंड, दोस्तों कैसे आप, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज जो गाना मैं लेके आया हूँ रिएक्शन के लिए ये है अंधकार मन, जिसके पहले ओरिजिनल वर्जन पर मैं रिएक्शन कर चुका था। तो आज इसके कवर सॉन्ग है नेमी ए निहिंसा का, जिसने गाया है। शायद देखेंगे ये फीमेल वर्जन में कैसा लगता है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट रैप था। बहुत कमाल के इसके लिरिक्स थे, क्या कमाल की पोएट्री थी। तो आज ये गाना सुनूंगा, इसमें देखूंगा क्या कुछ मुख्तलिफ और कितना मजा आने वाला है। पूरी वीडियो मेरे साथ देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओ बॉलीवुड टच, उस वर्जन में भी यही था। ओ पिछला जो ओरिजिनल गाना मैंने सुना था ना, उस पर मैंने यही बात की थी कि ये ट्यून तो बॉलीवुड है और ये गाना बाद में मेरे जहन में आया था। तो इस वर्जन में उस लड़की ने ये गाना गा भी दिया है, ये दैट्स अ वंडरफुल। व्हाट अ लिरिक्स, प्रश्न दिबागे बदलाटिया आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। मैं तो गाने में इतना खो गया था, बहुत ज़बरदस्त लगा। और ये वाकई में एक यूनिक टच था। पिछला सुना था, ये लिरिक्स मैं पढ़ चुका हूँ कि कितने शानदार थे इस पूरे म्यूज़िक के। जितना भी उसने रैप गाया, आउटस्टैंडिंग म्यूज़िक था कि आपको ज़िंदगी में कैसा महसूस होता है और क्या कुछ करना चाहिए, और बड़ी सैडनेस वाली फीलिंग थी। और इसके अलावा जो इसने बॉलीवुड टच रखा ना, इस गाने को साथ लेके चला ना, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है। क्योंकि गाने के अंदर मैं खो गया था, ऐसा लग रहा था कि बस बात ना करूं, बार बार सुनता जाऊं। आउटस्टैंडिंग था यार, बहुत मज़ा आया। और वाकई में ना इस लड़की ने बहुत इम्प्रेस किया। आपको कैसा लगा लाजमी बताइएगा, और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और मुझे रिकमेंड की करें, क्योंकि आउटस्टैंडिंग म्यूज़िक होता है श्रीलंकन, बहुत मज़ा आता है सुनने का। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।